सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओरकोदी बैनर्जी और इस साल मैंने नीट 2023 दिया था और मेरा जो स्कोर बन रहा है जो रिज़ल्ट में वो है 652 आउट ऑफ 720। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि मॉक टेस्ट और एक्चुअल नीट स्कोर में कितना अंतर होता है और कौन कौन से कोचिंग का मॉक टेस्ट रेलेवेंट है, कौन का रेलेवेंट नहीं है, किसको देना है किसको नहीं देना है, तो ये सब डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो को। तो नीट 2024 के लिए मॉक टेस्ट देना उतना ही ज़रूरी है जितना सब नीट एग्ज़ाम के लिए होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना नीट 2020 एनी कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो नीट के लिए मॉक टेस्ट देना सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है और लास्ट में एक दो महीने में तो मॉक टेस्ट हर एक दिन एक देना होगा, अगर दिन में दो दे सकोगे तो और भी अच्छा होगा। तो पहले देखते हैं मॉक टेस्ट मैंने किस किस इंस्टीट्यूट्स का दिया था। तो पहले था एलन और एक था आकाश का। तो एलन का मैंने अचीवर ज्वाइन किया था ऑफलाइन मॉक टेस्ट और इसका रिव्यू मैं दूंगा। तो इसका जो क्वेश्चंस है वो हाई लेवल क्वेश्चंस 35% आते थे जो एनसीईआरटी के बाहर आते थे, जो कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी के बाहर आते थे, एनसीईआरटी बेस्ड 75% आते थे। लेंथी क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते थे, तुम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकोगे। चैलेंजिंग क्वेश्चन होता था, कौन सा क्वेश्चन कब करे ये तुमको पकड़ना होगा। हाँ, स्टक हो जाना एक इजी काम था एलन के क्वेश्चन पेपर्स में। ये क्वेश्चन पेपर्स तुमको एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर द वर्स्ट कंडीशन, मतलब अगर पेपर सबसे ख़राब आ जाए नीट में तो इससे ख़राब नहीं आएगा जो एलन वालों ने करवाता है, तो इससे ख़राब नहीं आएगा। तो इट प्रिपेयर्स यू फॉर द वर्स्ट कंडीशन। और ऑन द अदर हैंड आकाश में मैंने दिया था ऑनलाइन, मतलब घर में CST दिया था और उन लोगों का एक इंटेंसिव प्रोग्राम टेस्ट होता है लास्ट के एक महीने में, वो मैं दिया था। तो इसका रिव्यू अगर मैं दूंगा तो हाई लेवल क्वेश्चन 20% आते थे, उससे भी कम। एनसीईआरटी बेस्ड 80% से ज़्यादा आते थे, तो इसमें पता चलता था कि पेपर कैसे आएगा, लगभग पता चल जाता था। इसमें क्वेश्चन का लेंथीनेस कम होता था कंपेयर टू एलन, तो इसमें पेपर ख़त्म करना ईजी होता था और इसमें मेनली टाइम मैनेजमेंट देखना होता था और स्पीड, ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस दोनों में। और मेरे हिसाब से लास्ट के दो महीने में, लास्ट टू मंथ्स में अगर तुम फुल लेंथ मॉक देना चाहते हो, फुल मॉक, आई विल सजेस्ट आकाश इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मी। आकाश इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के बाहर, लेंथी, सबका एक परफेक्ट बैलेंस आकाश देता था। क्यों देता था इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। मेरे एलन में स्कोर्स थे, ये वाला पार्ट टेस्ट स्कोर्स थे, देखो सब आउट ऑफ 720, 512, 527, 472, ये वाला सबसे हार्ड पेपर था, तो देखो कितना मार्क्स गिर गया। फिर 526, 467 फिर से गिर गया, फिर 528, फिर थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड करना चालू किया इन लोगों ने, तो मेरा मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसमें डीमोटिवेट मत होना, इसमें सिर्फ तुम एनसीईआरटी पढ़ते रहना, कोई कुछ भी बोले मॉड्यूल मत पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ते रहना, एंड में मार्क्स बढ़ेगा। देखो 559, 585, 575, 594, देखो मार्क्स बढ़ गया। तो एनसीईआरटी पढ़ते रहना, इसमें डीमोटिवेट मत होना, जो भी आना है आने दो। फुल सिलेबस में मेरा मार्क्स कुछ ऐसा था 573, 548, फर्स्ट टाइम आई वेंट टू 619, फिर 605, फिर 570, 557, 595, 599 और बीच में दो मॉक मैंने दिया था घर में, उस दोनों में थे 635 और 630। तो लगभग चार बार मेरा एलन में आउट 600 प्लस आया था, लगभग चार बार, और नीट में मेरा एक्चुअल मार्क्स था 652, अंतर देख सकते हो ना। तो यही होता है कि एलन में पेपर बहुत हार्ड होता है, तो अगर तुम एक दो तीन चार बार अगर तुम
घुस जाते हो 600 प्लस कैटेगरी में, तो तुम्हारा एक चांस हो जाता है कि हाँ तुम अच्छा करोगे नीट में, बहुत अच्छा। तो ये था मेरा एलएन का मार्क्स, देख सकते हो 512, 527, 472, 528, 594, ये पार्ट टेस्ट वाला है, और फिर ये वाला फुल लेंथ वाला है 573, 548, 619, 570, 587, 595, 599। ऑन द अदर हैंड आकाश में मेरा मार्क्स देखो कभी 600 के नीचे नहीं गया, कभी नहीं गया फुल लेंथ मॉक में। यही होता है अगर पेपर एनसीईआरटी बेस्ड हो, अच्छा हो, मॉडरेट हो, बैलेंस्ड हो, जो नीट में आता है, ये आकाश का फ़ायदा है। पहले 612, 639, 623, 623, 656, 655, 652, जो लास्ट वाला टेस्ट दिया था 652, और मेरा एक्चुअल नीट स्कोर है 652, तो इन दोनों में मैच हो गया। तो यही होता है कि आकाश का मॉक में मेरा जैसा नंबर आया नीट में भी मेरा वैसा ही आया, एकदम पक्का। बीच में मैंने और दिया था, उसमें सब 600 प्लस थे। ये था कुछ मेरा मॉक का मार्क्स, 652, 612, 620, 639, 623, 623, 656, 655। तो कंक्लूजन मैं यही बोलूँगा तुमको कि अगर तुम ऑल ओवर द ईयर देना चाहते हो, गो फॉर एलन टू गेट द बेस्ट मार्क्स, बेस्ट मार्क्स के लिए। और अगर तुम अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो, गो फॉर आकाश टेस्ट सीरीज, मेनली लास्ट 2 मंथ्स। इससे तुम अपने आप को लगभग जान सकोगे तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो ऑल इंडिया पे। लगभग इसके पास ही तुम्हारा एक्चुअल नीट मार्क्स होगा। सो कंक्लूजन मेरे हिसाब से, अगर लास्ट 2 मंथ्स के लिए मेनली, द बेस्ट इज आकाश। एलन तुमको रैंक देगा, आकाश तुमको सिलेक्शन देगा। ये मेरे हिसाब से ये एनालिसिस है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भी वीडियो आएगा नीट के रिलेटेड। सब्सक्राइब।